तो फिर से ये खबर थी जहां दो पक्षों में खूनी विवाद हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे खबर रतलाम से, जहां परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का खुलासा हो गया है। महिला और 2 बच्चों की हत्या की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो तीनों की हत्या कर शवों को घर में ही दफनाया गया। 2 महीने पहले तीनों की हत्या की थी। पति ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या की। थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पति ने तीनों शव को घर में ही दफनाया। पुलिस की पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो रतलाम से बड़ी खबर, परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का खुलासा हो चुका है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र का ये मामला है। पति ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या की थी। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। इस सिलसिले में जो गोपनीय यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें ये पता चला था कि एक परिवार के महिला और उसके 2 बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ पर आसपास क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, और संभवतः या तो वो कहीं लापता हुआ है, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई। इस सिलसिले में जो व्यक्ति है, जो पति है उस महिला का, उसको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, और उसमें पूछताछ में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें वेरीफाई की, उससे स्वयं ही उसके द्वारा फिर घटना करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा करीब करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी एवं अपने 2 बच्चों की हत्या की गई है, एवं उसके द्वारा जो बताया गया कि उसने शव अपने ही घर के जो फ्रंट यार्ड है उसमें गड्ढा करके उसमें दफनाए हैं। और चलिए इस खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दिलजीत जुड़ गए हैं। दिलजीत, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था, विस्तार से बताइए। क्या कोई फिल्मी क्योंकि बिल्कुल फिल्मी रूप से लाश को ठिकाने, शव को ठिकाने लगाया गया है, क्या उससे इंस्पिरेशन ली गई थी? जी हाँ, जैसा कि हम जान सकते हैं, दृश्यम फिल्म जो कुछ समय पहले आई थी, यह मामला कुछ उसी तरह का देखने को प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो पति है उसने सबसे पहले जो है अपने बच्चे की हत्या की, जब पत्नी ने विरोध करा तो फिर उसकी हत्या की, और फिर जब दोनों की हत्या कर दी तो बाद में जो बच्ची बची तो उसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में पति ने इंतजार करा और अपने एक मित्र को फोन लगा के उसे अपने घर पे बुलवाया। घर पे बुलाने के बाद दोनों ने ही इसकी प्लानिंग करी कि इन शवों को कहाँ दफनाया जाए। उसकी प्लानिंग करने के बाद में वह मार्केट गए, मार्केट से मजदूरों को लाए। मजदूरों को लाने के बाद में घर में ही उन्होंने टैंक की खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बीच में उन्होंने कभी भी उन मजदूरों को पता नहीं लगने दिया कि उनके घर में इतना बड़ा हत्याकांड करा है उन्होंने। जब मजदूर वहां से खड्डा खोद के जा चुके थे, उसके बाद में उसने अपने मित्र के साथ मिलके पत्नी और दोनों बच्चों को गड्ढे में दफना दिया, और नॉर्मल तरीके से पिछले 2 माह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सबसे बड़ी चीज ये बात ये सामने आई है कि ये जो हत्या की है, ये इसकी दूसरी पत्नी है जो अभी तक लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। अभी तक इनकी विधि विधान से शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आरोपी है उसकी पहले से ही पत्नी है और उसका उससे विवाद चल रहा है, उससे तलाक का केस दायर है। तो अभी तक इनका दोनों का तलाक नहीं होता, और इस बीच में इसने इसी जो दूसरी महिला है इसके साथ में संबंध बन गए और यह लिविंग रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे। दिलजीत, ये जो बच्चे थे ये दूसरी पत्नी के थे या पहली पत्नी के थे, क्योंकि बच्चों को भी मौत के घाट उतारा गया? जी, ये इसकी जो दूसरी पत्नी है उसी के ही बच्चे हैं ये, और अभी जो पुलिस जो जांच है उसमें खुलासे होगा कि जब हत्या हुई तो क्या नशे की हालत में था और इसके दिमाग पे किस तरह का फितूर सवार था कि इसने एक के बाद एक अपने दोनों बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी, और कितने शातिराना अंदाज में जो इसने वापस से उनके शवों को दफनाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरीके से मौत को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ तौर पर ये तो समझ आता है कि युवक मानसिक रूप से स्थिर नहीं था, तभी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो देखिए, रतलाम से बड़ी खबर, मामले का खुलासा अब हो चुका है।